होंगे जो इनके साथ हो, जमींदारों के साथ होंगे, कि जो इनके रिश्ते हैं फ्यूडल रिश्ते हैं, उसकी जगह कोई डेमोक्रेटिक इंसानी रिश्ते बने, इनको हक हो कि अपनी बात कह सकें, जमींदार को ये ट्रेनिंग हो कि अगर वो फायदा चाहता है अपना तो इनकी बात सुने। ख्वातीन को एम्पावर करना, उनको ताकतवर बनाने के लिए कुछ छोटे लोन की स्कीम है, खासतौर पे वो मवेशी बकरियां वगैरह पालना चाहें तो वो एक इसका प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है, अवेयरनेस का, कि मालूमात हो कानून की, लोगों को एहसास दिला जाए। इसमें हमारा थिएटर ग्रुप बनेगा जो मकालमा जनरेट करेगा। पाइलर की रिसर्च अभी तक रही है और उसमें दो किस्म की रिसर्च में मैं खुद भी शामिल रहा हूँ। एक तो जो सिंध के हारी हैं उनके हवाले से, और पूरे मुल्क में जो भट्टा मज़दूर हैं उनके हवाले से। थोड़ी बहुत मेरी हाल की रिसर्च है भट्टा मज़दूर के हवाले से। मुझे जो एक दो बुनियादी चीज़ें नज़र आई, एक तो ये कि जब तक लोगों के पास शेल्टर नहीं होगा, बॉन्डेड लेबर नहीं ख़त्म हो सकता। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस वक्त कानूनन पंजाब में, जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा काम किया, जो पथेरा है उसको 180 रुपए मिलना चाहिए 1000 ईंट बनाने के, वो कानून है, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट की मिनिमम वेज है वो 2500 रुपए महीना है। उन्होंने अंदाज़ा निकाला कि जी आदमी को 180 रुपए मिलना चाहिए 1000 ईंट बनाने, 140 से 150 रेट चलता है, उसमें से उन्होंने कर्जा भी अदा करना है। अगर 40 से 50 रुपए, अगर उनको 180 मिल जाए तो जो हिस्सा कर्जा अदा करने को जाता है वो तो जाएगा, 100 रुपए रोज़ उनको मिलेंगे। अखबारों में भी आए हैं, मैंने भी इंटरव्यू किए हैं कि लोग अपनी किडनी बेचते हैं ताकि कर्ज अदा कर सकें। मेरे पास फहरिस्त है अस्पतालों की, लाहौर में भी पिंडी में भी, 70 से 80 हज़ार रुपये वो देते हैं एक जवान आदमी की किडनी के। मुझे तो बहुत सहल नज़र आता है कि इस वक्त जो उजरत है हुकूमत की तरफ से 2500 रुपये महीना, अगर वो हर फर्द को दी जाए तो मसला ख़त्म हो जाए। मुझे 10,000 रुपये था, 50,000 कैसे हो गया? अरे पूरे 6 महीने से तेरे पीछे बंदे छोड़े हुए हैं, अरे गाड़ी का खर्चा, बंदों का खर्चा और पोस्ट का खर्चा, और सारा मिला के पूरा 50,000 हो गया। और हाँ एक बात तू कार खोल के सुन ले, तू मर भी गया ना तो कर्जा तेरे बच्चों से लूंगा। फंस गए जाने शिकंजे अंदर, ते जो वे लड़े विच गन्ना। इस अजाब से निकलने का एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता, मुझे अपना गुर्दा बेचना पड़ेगा। हाँ मैं अपना गुर्दा बेच दूंगा, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। देख किस नाजम की बात कर रहा है, वो भी तो उसका चाचा ही है। चाचा नहीं है। फॉर द ट्रोकेयर प्रोजेक्ट ISC's responsibility is twofold. First, it will provide audio, visual and written documentation of the project. Second, it will form theatre groups to use interactive theatre as a tool in communities where bonded labour is in abundance. The purpose is to engage those most affected in a dialogue on the issue and prompt them to find solutions. कर्ज नहीं है, इन्होंने कहा कि ये कर्ज आप झूठ बोलते हैं, आप तो कर्ज लेते हैं कि नहीं?
कर्ज वठंदा आयो हां एतरो ना वठंदा एतरो ना वठंदा आयो जेतरा जमींदार असा ते बधे तो लिखे तो एतरो असी ना वठंदा आयो कमदार जी साईं न तू जो हिसाब किताब करे कणक गोदाम में जमा कर साईं न थारिन पोए न थारिन तो पुरानो कर्ज ठी गोठ में टपड़ खणाइन सही वाला हियर इन साल गलती थी आगे गलती को ना कणक भले खणी वजो लडायो ना असा के अब सवाल है ऐसे होते क्या ये जो बात इन्होंने इस खेल में इस कहानी में बताई है ऐसे होते अरे वडे राज असा के लडाइंदे सवाल घण के लडाइंदे तू तुनी जगह ते केर कम कोन कंदो तू कंगलो थी मिने तुजा बार खुश रहंदा असा बार भूख मरंदा भूख ता वाला बार मरंदा पो हते हडा गारे मरंदव हडा किए गारे मरंदा समझ हक दा खाओ डेरा हक दा खाओ तो इजा सा कमायो रे इजा सा कमायो तू असा गलत तो फैसला करी पर क्या इस तरह कह देने से मसला हल हो जाता मेरा ये सवाल था इनसे कि आइए देखें कि एक तो है कि ये माफी मांग ली जाए दूसरे का पत्थर उठा लो तीसरे ने कहा नहीं मैं नहीं मानूंगा उसने कहा पुलिस भी मारेगी उसने कहा नहीं कनकी मिल जाएगी हमें इस पूरे अमल में बहुत सारे और सवाल आपने लेके जाने हैं जो भंडार हारी संगत के दोस्त और आप सब ने बैठ के समझ के करने हैं हमें कितनी समझ आई आपसे बात की IRC shall produce another documentary after 12 months to analyze the scope of the program and changes it will be able to bring about.